गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 6 पा रहे हैं हम। हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड नंबर। नंबर लेटर से ये जो नंबर लेटर दे रखा इसमें से जो हमें लेटर लेने हैं वो फोर लेने हैं। तो टोटल लेटर इज इक्वल टू 6, सिलेक्टेड लेटर इज इक्वल टू 4, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 64। यहां फार्मूला लगा दिया। फार्मूला कौन सा लगाया हमने? फार्मूला लगाया हमने एन पी आर, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पर हमने फैक्टोरियल 6 की वैल्यू एक्सपेंड करके 720 आ गई, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 से कैंसिल हो गया, 360 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आगे, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इन विच ईच डिजिट इज ओड एंड डिस्टिंक्ट। तो हमने पहले सारी डिजिट ली थी 9 का, इसमें से हमने ओड डिजिट छाट ली 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। ये काउंटिंग करके देख लिया कितनी आ गई, 5 आ गई। सिलेक्टेड ओड थ्री डिजिट, इनमें से कोई भी तीन डिजिट सिलेक्ट कर लिए, तो हमने जो इसका फार्मूला लगाया वो हो गया 5p3। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ थ्री डिजिट इज इक्वल टू 5p3, यही फार्मूला लगाया। इस फार्मूले से फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 को एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू आओगी 120 और इसकी वैल्यू को आओगी, इससे इसको कैंसिल हो गया 60, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड विद मीनिंग और मीनिंग लेस, मीनिंग वाले बनो या मीनिंग लेस बनिए, कोई भी वर्ड बना रहे हैं कैन बी फॉर्म विद द लेटर, इस लेटर को, इस लेटर के ये जो स्पेलिंग दिख रहे हैं इसको यूज करते हैं। तो हमने गिन लिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, सिलेक्ट भी 8 करने हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 88, यही वाला फार्मूला लगाया, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, आंसर आ गया इसका फैक्टोरियल 8। इससे आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। थैंक यू।